नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा का एक दिनी सत्र आज शुरू हो रहा है। तो मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्र में सीएम और मंत्रियों समेत 57 विधायक इसमें शामिल होंगे। विधानसभा सचिवालय ने इनके नाम भी जारी कर दिए हैं। तो 57 विधायक सत्र के दौरान विधानसभा में मौजूद रहेंगे, वहीं अन्य विधायक वर्चुअल तरीके से शामिल होंगे, जिसमें सीएम समेत 16 मंत्री सदन में मौजूद रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, इसके साथ ही गोविंद सिंह राजपूत, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, मीना सिंह, कमल पटेल, मोहन यादव, तुलसी सिलावट, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, ये ऐसे नाम है जो सदन में मौजूद रहेंगे और बाकी जो विधायक है वो वर्चुअल तरीके से इस सदन सत्र में शामिल होंगे। तो बीजेपी के 32 विधायक हैं जो सदन में मौजूद रहेंगे, वहीं कमलनाथ सहित कांग्रेस के 22 विधायक इसमें शामिल होंगे। तो आज एक दिवसीय सत्र, सीएम और मंत्रियों समेत 57 विधायक इसमें शामिल होंगे। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता फोन लाइन पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वैभव जी, मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है, बाकी जितने भी सत्र मध्य प्रदेश के इतिहास में हुए हैं विधानसभा के, उन सबसे सबसे अलग ये सत्र माना जाएगा, क्योंकि कोरोना संक्रमण काल में एक दिवसीय सत्र और दूसरी तरफ वर्चुअल तरीके से तमाम जो विधायक है, जो मिनिस्टर्स है, वो इसमें शामिल होंगे। लेकिन क्या कुछ खास आज के दिन होने जा रहा है एक दिवसीय सत्र में? बिल्कुल जय, कोरोना काल में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम पहली बार देख रहे हैं। विधानसभा सत्र की बात की जाए तो पहले ये 3 दिवसीय सत्र था, लेकिन जब सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के रूप में कमलनाथ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री डॉक्टर मिश्रा शामिल हुए, तो उसमें तय किया गया कि जो सत्र है उसका समय को कम किया जाए, ताकि कोरोना के संक्रमण से विधायकों को, जनप्रतिनिधियों को बचाया जा सके। 40 से ज्यादा विधायक मंत्री अब तक कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और कई विधायकों का अभी भी इलाज भी चल रहा है, जैसे कि वन मंत्री विजय शाह कोरोना पॉजिटिव में भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। तो विधानसभा का आज एक दिवसीय सत्र है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत 17 मंत्री मदर सदन में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जो अन्य 17 मंत्री वो सदन में नहीं आएंगे, वर्चुअल तरीके से जरूर सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। तो सदन में मंत्रियों समेत पक्ष विपक्ष के नेताओं समेत 61 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। पहले 58 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बाद में बसपा और निर्दलीय विधायकों के नाम भी इसमें जोड़े गए हैं। आज जो एक दिवसीय सत्र है उसमें केवल 4 ही विधेयक पेश किए जाएंगे। संशोधित कार्यसूची भी जारी की जा चुकी है जया, पहले 14 विधेयक पेश होने थे, लेकिन अब कोरोना के चलते समय भी सदन का कम है, जो सत्र है केवल एक दिवसीय सत्र रहेगा, इसलिए 4 विधेयक ही पेश किए जाएंगे। कार्यसूची से 9 विधेयकों को ड्रॉप कर दिया गया है। आज विनियोग विधेयक, वित्त विधेयक, वैट संशोधन विधेयक और जीएसटी संशोधन विधेयक ही सदन की कार्रवाई में रखे जाएंगे। चारों ही विधेयकों को संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा रखेंगे। इसके साथ ही वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री, क्योंकि रजनी देवड़ा बीमार है, इसलिए नरोत्तम मिश्रा चारों बजट को रखेंगे, विधेयकों को रखेंगे और बजट पेश करेंगे। बिल्कुल, तो आज बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये सदन, एक दिवसीय विधानसभा का सत्र। और खास तौर पर आपको बता दें कि तमाम जो विधायक, तमाम जो मिनिस्टर्स हमेशा आपने विधानसभा में बैठे हुए देखे होंगे जब सत्र चलता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते कई बड़े बदलाव किए गए हैं। वैभव जी, बैठने की व्यवस्था तो हमने समझ ली, लेकिन बदलावों के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि किस तरह की के बदलाव विधानसभा सत्र में आज हमें देखने को मिल सकते हैं। क्या पत्रकार वहां पर जा सकते हैं या बैठक व्यवस्था, और उसके साथ ही कोरोना को लेकर कितने एहतियात, किस तरह की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी विधानसभा के अंदर? सबसे पहले जो आपका सवाल था कि क्या मीडिया को विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति होगी, क्या मीडिया के कैमरे के माध्यम से सदन की कार्रवाई को, क्योंकि आमतौर पर जब बजट सत्र होता है, जब बजट को पेश किया जाता है तो मीडिया के कैमरों को लगाने की अनुमति होती है विधानसभा के अंदर, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना संक्रमण है तो विधानसभा परिसर के अंदर मीडिया के कैमरों की एंट्री नहीं है। मीडिया जो विधानसभा का जो क्षेत्र है उसके बाहर ही खड़े रहकर पूरे ही सत्र की रिपोर्टिंग करेगी। इसके साथ ही माफी, जो विधानसभा के अंदर बैठने की जगह होती है
वहां पर भी एक जो एक सीट होती है एक पर पहले दो लोग बैठते थे या तीन लोग बैठते थे जया, अब केवल एक ही व्यक्ति एक ही विधायक वहां पर विधायक या मंत्री या विपक्ष के नेता बैठ सकेंगे। बिल्कुल बने रहिएगा पैगाम जी, मैं लौटूंगी आपके पास। लेकिन एक दिन ही सत्र में की शुरुआत आज विधानसभा की होने जा रही है और आज होने वाले एक दिन सत्र में मुख्यमंत्री और मंत्रियों सहित कुल 57 विधायक ही सदन में मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई बड़े बदलाव इस विधानसभा सत्र में आपको देखने को मिलेंगे। कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो सदन में मौजूद रहेंगे, माफ करिएगा, विधानसभा सत्र में मौजूद रहेंगे, लेकिन कई ऐसे विधायक और कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो वर्चुअल तरीके से इस सत्र में शामिल होंगे।